नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अनदेखी की वजह से आजवा रोड पर पानी का फैलाव करीब आधे किलोमीटर तक का है। वहीं शिवसेना बड़ौदा प्रवक्ता ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आड़े हाथों लेते हुए ये इल्जाम लगाया कि जो भी पब्लिक को परेशानियां हो रही हैं इसका पूरे जिम्मेदार कॉर्पोरेशन है और अगर इसका तुरंत सही इलाज नहीं किया गया तो शिवसेना इस पर सख्त रुख अपनाएगी। वडोदरा से समीर उपाध्याय की एक रिपोर्ट। आजवा रोड पे कमला नगर तालाब के पास में एक पानी की लाइन थी जिसमें रिपेयरिंग काम चल रहा था, जिसमें सुबह से हजारों लीटर पानी बिगड़ गया जो पीने के लिए काम आ सकता था। एक तरफ कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, शहर में 24 घंटे पानी देने की बात कर रही है, तब जब दो टाइम पूरे प्रेशर के साथ में जब वो पानी नहीं दे रही है और ऐसे टाइम पे जब इतने पानी का बिगाड़ हो रहा है जो वडोदरा की जनता को पीने के लिए काम में आ सकता था। स्मार्ट सिटी में ऐसे कामों पे ध्यान देना चाहिए कॉरपोरेशन को, और ऐसी लाइन में जब भी काम होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इतना पानी जो बिगड़ रहा है उस पे रोक लगानी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तेजस ब्रह्मभट्ट, शिवसेना वडोदरा शहर प्रवक्ता।